नमस्कार। करियर और एजुकेशन से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम गाइड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। मेडिकल फील्ड जितना ही युवाओं को आकर्षित करता है उतनी ही मेहनत भी मांगता है। टफ कंपटीशन के कारण कई बार छात्रों को इसमें एडमिशन नहीं मिल पाता, लेकिन इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक रास्ता बंद होता है तो कई रास्ते खुल भी जाते हैं। सपने को पूरा अगर करना चाहते हैं आप तो एमओई ग्रुप ऑफ एजुकेशन आपकी मदद इसमें कर सकता है, क्योंकि आज बड़ी संख्या में भारतीय छात्र विदेशों में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और अपनी सफलता को वो रिजल्ट के रूप में साबित भी कर रहे हैं। एमओई ग्रुप ऑफ एजुकेशन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि बच्चों के एडमिशन की संख्या बढ़ती जा रही है और यही एक पैरामीटर होता है कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट की सफलता को समझ सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई विदेश में करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम गाइड। तो क्या आसानी से विदेश पढ़ाई के लिए जाया जा सकता है? क्या इसके लिए संभावनाएं हैं? कितनी उम्मीदें हैं? कितनी तकलीफें हैं? इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डुमेश मगेंद्र, डॉक्टर डायरेक्टर एमओयू ग्रुप ऑफ एजुकेशन के। डॉक्टर डुमेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर डुमेश, इसके पहले भी हमने आपके साथ में बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम कर रहे हैं जो बच्चों के सपने और मंजिल तक पहुंचाने में आप लोग एक अहम रोल अदा करते हैं। मेडिकल की पढ़ाई के लिए बच्चे कई बार हताश होते हैं कि अगर भारत में पढ़ाई नहीं हुई तो फिर उनको अपना करियर जो है वो डाइवर्ट करना पड़ता है। ऐसे में कितना ऑप्शन है विदेशों में आज? उस टाइम पे अगर हम देखें तो कई ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि रशिया हो गया, यूक्रेन है, कजाकिस्तान है, फिलीपींस है, बेलारूस है, काफ़ी बहुत सारे वेरियस कंट्रीज है जहाँ पर बच्चे आज के डेट में जा रहे हैं अपने एमबीबीएस का सपना साकार करने के लिए। और काफ़ी बच्चे ऑलरेडी बाहर से पढ़ के आ भी चुके हैं और यहाँ पर अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर डुमेश, अगर विदेशों में पढ़ाई की बात होती है तो कोई एक साधारण बच्चा, उसे ये नहीं पता होता है कि कौन से देश में जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज होगा। आप लोग जब सेलेक्ट करते हैं तो किन बातों पर फोकस करते हैं और क्या आधार होता है जिस पर आप लोग बच्चों की काउंसलिंग करते हैं या उनको आगे चलकर एडमिशन दिलाते हैं? मुझे लगता है ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जी जी, ये बहुत अच्छा सवाल था आपका, क्योंकि कभी भी हमारे पास कोई छात्र एडमिशन के लिए आता है तो उसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती, जो कि लाइक जो बेसिक होते हैं वो उन्हें पता होता है कि हाँ अब्रॉड जाना है, वहाँ पर लाइक 5 साल 6 साल की पढ़ाई होगी, उसके बाद यहाँ पर आके अपना लाइसेंस एग्जाम देके अपनी प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें होती है, हर कंट्री हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ बुराइयाँ भी होती है। तो पहले हम कोई भी अगर स्टूडेंट हमारे पास आते हैं तो उनमें पहली चीज़ें हम देखते हैं कि उनके लाइक 12th में परसेंटेज कितने हैं, उसके बाद वो नीट में एलिजिबल है या नहीं, नीट में अगर एलिजिबल है तो कितने मार्क्स से एलिजिबल है, अगर उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उसके हिसाब से हम उनको कॉलेजेस लाइक प्रोवाइड करते हैं। और मेन हमारा कंसर्न होता है कि अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है तो कल के दिन में अगर हमें भी किसी अपने लाइक रिलेटिव को, अपने घर के किसी सदस्य को, या फिर हमें आगे किसी हमारे फ्यूचर जनरेशन को अगर भेजना पड़े विदेश में, तो उन कॉलेजेस में हम भेज पाएंगे या नहीं, ये पहली चीज हमारा फोकस रहता है। उसके बाद ही हम उनके लिए कोई कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि इस टाइम पे काफी बच्चे रशिया जाना प्रेफर किए, ऑलरेडी लाइक 25th ऑफ अक्टूबर को लास्ट डेट है एडमिशन का। जिन बच्चों के पास पासपोर्ट है वो अभी भी अप्लाई कर रहे हैं रशिया के लिए, और रशिया का ऑप्शन इस साल बहुत ज्यादा बच्चे लाइक प्रेफर किए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो कोरोना काल चला और उस टाइम पे रशिया ही एक ऐसा देश था जिसने पहले वैक्सीन की इजाद की और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी ऑलरेडी कर लिया, अभी उनके ट्रायल बेसिस पे लास्ट ट्रायल पे चल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें दूसरा कॉलेज, दूसरे अगर कंट्री की बात करें तो एक है यूक्रेन, जहां पर काफ़ी बच्चे जाना पसंद करते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंडियंस वहां पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन है और एक है फिलीपींस का एक अच्छा ऑप्शन है। और जैसे कि हम बात करें बेलारूस की, बेलारूस भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन आता है, बट बेलारूस की काफ़ी ज़्यादा फीस बहुत ज़्यादा हाइक होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, इसलिए हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि आप लाइक रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान या फिलीपींस का ऑप्शन ही चूज करें। और अगर मैं बात करूँ किर्गिस्तान और आर्मेनिया की, वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ की इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो हॉस्पिटल की प्रैक्टिस में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा और कई सारी चीज़ें होती है। और
टाइम पे किर्गिस्तान में वो सिचुएशन नहीं है, आर्मेनिया में वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पर बच्चे कोई जाके लाइक सुटेबल एनवायरनमेंट और सेफ एनवायरनमेंट में रह सके, क्योंकि वहाँ पर लाइक थोड़ा सा वॉर वाला सिचुएशन है। तो हम प्रिफर कर रहे हैं कि इन आगे के 2 साल हम किसी भी बच्चों को किर्गिस्तान और आर्मेनिया, उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी कंट्रीज में जैसे कि अजरबैजान, ये सारी कंट्रीज में हम प्रिफर ना करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, भारत में अगर हम मेडिकल की पढ़ाई को देखें, चूंकि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ना अगर लिस्ट में नाम आता है तो बहुत इजी होता है, लेकिन क्या विदेशों की पढ़ाई इतनी आसान होती है कि जो फाइनेंशियली वीक है क्या वो बच्चे भी वहां जाकर पढ़ सकते हैं? इसके लिए कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप लोगों का होता है, किस तरीके से गाइड होता है ये? जिन कॉलेजेस में हम एडमिशन करा रहे हैं चाहे कोई भी कंट्री हो, वो सारे गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज ही होंगे, तो उनकी फीस ऑलरेडी कम होती है, लाइक 20 लाख 15 लाख ये सारे बजट में कॉलेजेस आते हैं, लाइक कंप्लीट एमबीबीएस जिसमें कि कॉलेज हॉस्टल मेडिकल इंश्योरेंस वीजा एक्सटेंशन सारी चीजें भी अगर हम करें, तो रशिया में एक कॉलेज है कोबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ पर 15 लाख में पूरे एमबीबीएस ही कंप्लीट हो जाती है। उसके अगर दूसरे कॉलेजेस देखें तो 20 लाख 25 लाख इस तरीके से अलग अलग कॉलेजेस अलग अलग लाइक प्राइजेस में बटे हुए हैं, लाइक उनके पैकेजेस में बटे हुए हैं। तो डिपेंड करता है कि बच्चों को लाइक कौन सा कॉलेज पसंद आ रहा है, और इन केस उनकी फाइनेंशियली किसी तरीके से वीक है जैसे कि वो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो यहाँ पर बैंक लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, तो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के नाम पे लाइक बैंक से लोन भी मिल जाता है उनको आसानी से। जी, यहाँ पर अब दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल होगा डॉक्टर उमेश, वो ये कि क्राइटेरिया क्या होता है, कि क्या परसेंटेज आपको देखना है, कि क्या क्या आधार होता है एडमिशन का? पहली चीज हम देखते हैं, कोई भी अगर स्टूडेंट हमारे पास आएंगे तो हम पहली चीज देखेंगे कि वो कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं, जनरल या फिर अदर्स में। बाहर जाने के लिए भी ये कैटेगरी मैंडेटरी है, जो कि बच्चे अगर जनरल कैटेगरी में है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में उनके 50% होने चाहिए। अगर हम अदर्स की बात करें तो उनके एससी एससी ओबीसी की तो उनमें 40% मांगा जाता है पीसीबी में, तो ये मैंडेटरी है। उसके अलावा अभी के टाइम पे 2018 से नीट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल ही फिक्स कर दी गई है, अगर आप नीट में एलिजिबल हैं तभी आप जा सकते हैं किसी भी विदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई करने। अगर मैं जनरल की बात करूं तो अगर 147 मार्क्स हैं आपके तो आप विदेश में किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई करने जा सकते हैं। अगर एसटी एससी ओबीसी में अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो 113 मार्क्स इस साल आया हुआ है, कट ऑफ जो मिला हुआ है अब्रॉड जाने के लिए, उतने मार्क्स अगर आते हैं तो आप विदेश में किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब जो क्राइटेरिया आरक्षण का है वो उसमें भी उसी तरीके से लागू होता है, उस आधार पर उनको वहां पर एडमिशन मिलता है। जी बिल्कुल। दूसरा, अब यहाँ पर एक और जो महत्वपूर्ण सवाल होगा डॉक्टर डोमेश, वो ये कि चूंकि अब बच्चे बाहर पढ़ने जाने लगे हैं तो एक माउथ पब्लिसिटी, एक फीडबैक जो होता है वो बहुत ज्यादा एक अहम रोल अदा करता है, कि मान लीजिए किसी मोहल्ले किसी कॉलोनी से 2 बच्चे गए हैं और वहां का माहौल कैसा है वो बताते हैं तो दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। तो इस तरीके से कितने बच्चे जा चुके हैं और कैसा उनका फीडबैक रहा आप लोगों का? मैम अभी तक तो बहुत बच्चे हमारे गए हुए हैं, लाइक अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऑलरेडी पढ़ के आ भी चुके हैं, तो अभी तक हमारे किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हम किर्गिस्तान भेजना कम इसलिए प्रेफर करते हैं, वहाँ पर कई सारी कॉम्प्रोमाइजेस बच्चों को करना पड़ता है, लाइक हॉस्टल के नाम पे और फैसिलिटीज के नाम पे, अगर हॉस्पिटल वगैरह भी देखें तो कई सारी चीज़ों में बच्चों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और आर्मेनिया में भी वही सेम सिस्टम है। तो हम ये 2 जगहों को अवॉइड करके बाकी अगर हम देखें तो सभी जगह के अभी तक के जो फीडबैक थे बहुत अच्छे हैं, और सारे बच्चे अभी भी वहाँ पर जो पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वहाँ पर कोई फेस्टिवल हो गए किसी भी दिनचर्या उनका होता है किसी भी तरीके से उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर फेस्टिवल है तो फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करवाते हैं, चाहे वो होली हो चाहे दिवाली हो कि कोई भी फेस्टिवल हो उनके वहाँ पर सेलिब्रेशन करवाई जाती है, और बाकी जो भी पढ़ाई में हेल्प होती है वो हमारी संस्था के द्वारा करवाई जाती है। बिल्कुल डॉक्टर उमेश, जब यहाँ से बच्चों को विदेश भेजना है, चूंकि एक ऐसा देश है जहाँ हम देखे नहीं है, जहाँ का कॉलेज जहाँ का कल्चर जहाँ की सिक्योरिटी हमारे पास कुछ भी नहीं है, ऐसे में आप लोगों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। वहाँ का माहौल कैसा होगा, सिक्योरिटी कैसी होगी, लैंग्वेज है, खान पान है, सुरक्षा है, ऐसे बहुत सारे सवाल माता पिता और पेरेंट्स के मन में होते हैं, तो मुझे लगता है इसके लिए भी क्या काउंसलिंग की जरूरत होती है आप लोगों को, या फिर वहाँ ऐसा कोई है जो इन सब चीजों को ध्यान रखता है?
मैम काउंसलिंग की तो फर्स्ट ईयर से सिक्स ईयर तक जरूरत पड़ती है, चाहे हम यहाँ से एडमिशन लेने की बात करें, एडमिशन उनकी करवाने की बात करें, उसके अलावा वहाँ पर फर्स्ट ईयर टू सिक्स ईयर की जो जर्नी होती है, कई बार कहीं ना कहीं अगर हम इंडिया में भी पढ़ाई करते कहीं ना कहीं हमारे कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पर हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पूरे काउंसलर्स मौजूद हैं, उसके अलावा मैं खुद हूँ। और अगर हम बात करें किसी अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ में, तो हमारी जो फैसिलिटीज़ वगैरह हम मेनली जो फोकस करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनका हम मेन फोकस हमारा ये रहता है कि कॉलेज के कैंपस में ही उनका हॉस्टल हो सारी चीज़ें, क्योंकि जो पहले के 3 साल होते हैं वो प्री और पैरा क्लिनिकल की पढ़ाई होती है, तो उसमें हॉस्पिटल क्लासेस बहुत ज़्यादा कम लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सर्जरी के लिए और इंटरमेडिसिन के लिए बीच में जाना पड़ता है दूसरे हॉस्पिटल्स में, बाहर के हॉस्पिटल्स में बाकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो जो लास्ट के जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ईयर होते हैं, तो उसमें जो लैंग्वेज बैरियर की अगर हम बात करें, तो जो पहले के 3 साल होते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उसमें लैंग्वेज के लिए क्लासेस दी जाती है बच्चों को, ताकि वो कभी मार्केट में जाएं या फिर किसी पेशेंट से बात करें या फिर किसी चीज़ों को अगर वो लाइक ट्रांसलेट करना चाहे तो काफ़ी इजीली वो कर सकते हैं। तो उनके लिए जो फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर सिक्स्थ ईयर की जो जर्नी होती है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है, क्योंकि उस वो जो ईयर होता है वो पूरा क्लिनिकल बेस्ड ईयर होता है, चाहे वो ऑप्था की बात करें, ईएनटी की बात करें, ऑप्स एंड गायनी की बात करें, सर्जरी की बात करें, कोई भी सब्जेक्ट हम लेते हैं साइकेट्री वगैरह, तो उसमें पेशेंट से जब हम बात करेंगे कन्वर्सेशन उनसे जब करते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती है रशियन लैंग्वेज में या तो हम बोल सकते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेजेस में। तो उसके लिए जो पहले के जो 3 साल होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो 3 सालों में बच्चे ऑलमोस्ट सीख जाते हैं, सारी लैंग्वेज ही सीख जाते हैं, पहले के साल में ही काफ़ी बच्चे ट्रेन हो जाते हैं ये सारी लैंग्वेजेस में, तो उनके लिए काफ़ी ईजी होता है वो लास्ट के 3 साल। अच्छा, ये तो वहाँ पहुँचने के बाद की बात है कि उस माहौल में अगर है और कल के बाद बच्चा जाता है तो वहाँ उनके लिए सीखना आसान होता है, लेकिन वहाँ जाने से पहले जो भी फॉर्मेलिटीज है या वहाँ की लैंग्वेज कैसी होगी, हो सकता है किसी बच्चे की परसेंट बहुत अच्छा है, जाना भी चाहता है, लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी ना हो, तो क्या ऐसे बच्चों को प्रॉब्लम होती है या उसके लिए भी कोई रास्ता होता है? नहीं, वैसे इंग्लिश वगैरह की हम बात करें तो वैसे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि वहाँ की जो पढ़ाई होती है लेक्चर बेस्ड नहीं होती, मेनली वो होता है क्लास के बेसिस पे, क्लास और लेक्चर दोनों के बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ, एक स्टूडेंट में एक ग्रुप बनेगा, एक ग्रुप में 10 स्टूडेंट रहेंगे और 10 स्टूडेंट को पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर होंगे, तो चाहे वो हिंदी मीडियम को चाहे वो इंग्लिश मीडियम को हो, क्योंकि हमारी कंट्री में लाइक वेरियस लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, कई बार होता है हमारे गुजरात के भी कई स्टूडेंट्स हैं तो वो मीडियम से पढ़े होते हैं, तो कई उन लोगों को इंग्लिश में बोलने में काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो जो एक प्रोफेसर होते हैं वो सारे बच्चों को एक एक करके ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो उन्हें कोई अगर डाउट भी होता है तो बच्चे खुद ब खुद अपने दोस्तों की हेल्प करते हैं, साथ साथ प्रोफेसर जितना हो सके वो अपनी तरफ से उनको डाउट क्लियर करने में हेल्प करते हैं। तो ये लैंग्वेज वाली चीजें फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत कठिन हो सकता है, बट आगे चलते चलते वो स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल सी चीजें होने लगती है, क्योंकि उनको उतनी हेल्प मिल जाती है वो सारी चीजों में। अभी तक जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है उसमें किस कंट्री में जाना बच्चे प्रेफर कर रहे हैं या वहां जाकर कंफर्टेबल? अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो रशिया सबसे ज़्यादा बच्चों ने प्रेफर किया, मोर देन 70 स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है, और उनके क्लासेस जो होने वाली है वो एटलीस्ट फॉर 2 मंथ्स अब वो ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। और हम बात करें यूक्रेन की, अभी जैसे यूक्रेन में भी ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम बनाया जा रहा था, बट उन्होंने कहा कि अगर आप बबल लाइक हमारे जो एविएशन मिनिस्टर है उन्होंने ऑलरेडी परमिशन दे दिया है कि यूक्रेन कोई बच्चा जाना चाहता है तो वो बबल फ्लाइट में ट्रैवल कर सकते हैं, लाइक चार्टर फ्लाइट उनके लिए बुक कराई जा सकती है। तो हम अभी बच्चों के लिए ये प्रेफर कर रहे हैं कि अगर यूक्रेन में एडमिशन हो जाता है किसी बच्चों का तो हम उन्हें चार्टर फ्लाइट के थ्रू भेजेंगे। उसके अलावा कजाकिस्तान भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसके अलावा फिलीपींस भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फिलीपींस में टोटली इंग्लिश लाइक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री बोली जा सकती है, उनकी सेकंड लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है, तो काफ़ी बच्चों को ईजी हो जाता है। अच्छा, जिन बच्चों ने अभी रशिया में एडमिशन ले लिया है और अभी वो गए नहीं है, कोरोना काल में क्या पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही है या इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस के अलावा विकल्प है कि वो जल्द से जल्द चले जाएं? फ्लाइट्स कब से शुरू होंगी इसकी जानकारी भी? रशिया वाले बच्चों के लिए एक चीज़ हमें ऑलरेडी जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में फ्लाइट्स चालू होने वाली है और दिसंबर में सभी बच्चों के वीज़ा लग जाएंगे, तो हो सकता है नए साल में बच्चे चले जाएं सभी बच्चे, और 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में सारे स्टूडेंट्स जो रशिया में एडमिशन लिए हैं उनकी क्लासेस ऑफलाइन चालू हो जाएगी। अगर मैं रशिया में पर्टिकुलर अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी बात करूँ तो जो बच्चे की हॉस्पिटल क्लासेस होती थी उनको ऑनलाइन क्लासेस में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि रशिया में अभी लाइक पर डे
800-900 के केसेस आ रहे हैं, सिर्फ 800-900 के केसेस आ रहे हैं वहाँ पर। फिर भी वो पूरी प्रिकॉशन रखते हुए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ही प्रेफर की, ताकि उनके वो चाहते हैं कि हमारे जो वैक्सीन्स है वो सारी चीज़ें मतलब वेस्ट ना हो, सारी चीज़ें अच्छे से वहाँ पर शांत हो जाए, ये कोरोना का जो काल है वहाँ पर। बिल्कुल। और इस पढ़ाई में MBBS की पढ़ाई में डॉक्टर रुमेश, चूंकि आप भी डॉक्टर हैं, केवल MBBS से काफी नहीं होता, PG की भी पढ़ाई होती है और आगे चलकर स्पेशलाइजेशन भी होता है, तो क्या उसके लिए उनको वापस इंडिया आना ही पड़ता है एग्जाम पास करके? क्या वो वापस पढ़ सकते हैं या इंडिया आने के बाद उनको PG करनी होती है? ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे। कई बच्चे होते हैं जो कि दूसरी कंट्रीज के लिए ट्राई करते हैं, तो वहाँ की जो डिग्री होती है वो हर कंट्री के लिए वैलिड होती है, जैसे कि वो WHO से रिकॉग्नाइज्ड होती है। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो डायरेक्ट वहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं PG करने के लिए दूसरी कंट्रीज में, या फिर जो बच्चे यहाँ पर इंडिया में आके एग्जाम देना चाहते हैं वो एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो NEET PG का एग्जाम होगा वो फाइट करेंगे। बट अभी के टाइम पे जैसे कि अब MCI ऑलरेडी एबॉलिश हो गया है, उसके जगह नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया गया है, उसके अंतर्गत चाहे आप इंडिया से पढ़ाई करें चाहे वो अब्रॉड से पढ़ाई करें, आपको नेक्स्ट वन का एग्जाम देना है। नेक्स्ट वन के एग्जाम देने के बाद उनको PG के लिए आगे जो नेक्स्ट टू होगा उसके बेसिस पे उनको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा, लाइक नेक्स्ट वन के मार्क्स को और नेक्स्ट टू के एग्जाम के एलिजिबिलिटी को देखते हुए। बिल्कुल डॉक्टर, तो सभी बच्चों को एग्जाम देना ही है, देना ही होता है। अगर उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया और PG भी वहीं से कर ली, तो जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है क्या उन देशों में ही उपलब्ध होती है, या वो दूसरे देश जा सकते हैं, या उन्हें भारत लौटना ही होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें बच्चों को भारत ही लौटना पड़ेगा। अगर कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि जर्मनी, कई बच्चे ऑलरेडी यूक्रेन से जर्मनी शिफ्ट हो गए, और कुछ बच्चे ऑलरेडी USMLE वगैरह क्लियर करके वो US जाके सेटल्ड हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे डिपेंड होता है। चाहे कुछ बच्चे होते हैं जो हमें इंडिया में आके प्रैक्टिस करना है, अगर वो सोचते हैं कि हमें इंडिया में ही रहना है तो वो इंडिया आते हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस करते हैं। ये बच्चों के विल पे डिपेंड होता है कि वो क्या चाहते हैं। बिल्कुल, हो सकता है इस वक्त बहुत सारे युवा हमारा कार्यक्रम देख रहे हो और उनको ये लग रहा हो कि आपसे संपर्क करना है या आपसे उनको काउंसलिंग करनी है, तो आपसे कहाँ मिले और क्या आप लोगों ने इसके लिए जानकारी देने के लिए कुछ माध्यम चुना? जैसे कि हमारे यहाँ से पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमारे यहाँ से बच्चे आते हैं, लाइक हम उनका एडमिशन करवा रहे हैं अभी के टाइम पे, तो हम मोस्टली बच्चों को बोलते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग लेनी है तो हम आपको लिंक शेयर करेंगे, आप उसके बेसिस पे ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं। या फिर किसी बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन लेना है थ्रू आवर वेबसाइट, तो वो हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.moigroupofeducation.com। तो इस वेबसाइट में जाके अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करके अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं वो। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो हमें डायरेक्टली कॉल या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, तो हम हमारी तरफ से वो सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएगी। बिल्कुल। और आपको लगता है कि समय समय पर वो है 999-333-6778। फिर से एक बार बताएंगे डॉक्टर रमेश नंबर, 999-333-6778 और 9292006001। बिल्कुल। अच्छा, ये जो पूरा मोई ग्रुप का एजुकेशन का जो पूरा प्रोग्राम है, ये किस तरीके से आप लोग मैनेज करते हैं कि अलग अलग जो देशों में जहाँ पर एडमिशन बच्चों का होता है, क्या वहाँ पर भी आपके ही संस्था के लोग होते हैं, या ये पूरा कोऑर्डिनेशन वीजा से लेकर एडमिशन तक जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है? अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हमारी स्टेप चालू होती है हमारे काउंसलर के द्वारा, जो कि पूरी काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद जो वीजा का प्रोसेस होता है पूरा दिल्ली से होता है, और दिल्ली में भी हमारे मोई ग्रुप ऑफ एजुकेशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि पूरे वीजा का वीजा के फाइलिंग करते हैं। उसके बाद जब बच्चों को फ्लाई करने की बारी आती है तो मैं या फिर हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंपनी के, वो उनके साथ ट्रेवल करते हैं, और जब वहां पर बच्चे पहुंच जाते हैं तो पहले से लेकर आखिरी साल तक उनके साथ हमारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहते हैं, कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं। चलिए, काफी जानकारी मुझे लगता है कि शुरू से लेकर आखिर तक मैंने आज आपसे लेने की कोशिश की और आपके माध्यम से हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रमेश हमसे बातचीत करने के लिए। तो करियर के ऑप्शन बहुत ज्यादा हैं। अगर आप भारत में अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हैं तो विदेशों की सीमाएं भी आपके लिए खुल चुकी हैं, आप वहां पर जाकर भी एक उच्च शिक्षा लेकर अपना करियर बना सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Oh, 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 oh